आज धनबाद में उप विकास आयुक्त की अगुवाई में प्रखंड विकास पदाधिकारियों का हुआ बैठक। आज उप विकास आयुक्त धनबाद की अगुवाई में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उन लोगों के साथ समीक्षा की गई कैसे मनरेगा का काम किया जाए, किस तरह जनता का होगा विकास। आइए आपको सुनाते हैं उप विकास आयुक्त ने क्या कुछ कहा। आज जो है ग्रामीण विकास में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उस पर एक समीक्षात्मक बैठक BDOs के साथ रखा गया है, जिसमें मनरेगा के में मानव सृजन से लेकर के जितने भी पूर्व में जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और जो लंबित हैं उनकी कंप्लीशन पे एक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। अभी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं जिनको ऑलरेडी आवास की स्वीकृति हुई है, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों नहीं उनका कंप्लीशन हो रहा है, उसको लेकर के एक समीक्षा रखी जानी है अभी सेकेंड हाफ में। उसके बाद बहुत सारे आंगनवाड़ी हैं जो मनरेगा के तहत में कार्य चल रहे हैं, पर बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, कुछ जमीन्स का इश्यूज रहा है जिसे करंट टेकअप नहीं हो पाया है, उस पर भी एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। और अभी सेकेंड हाफ में जो बैठक है वो PHED डिपार्टमेंट से संबंधित है, जिसमें जो गांव है उसकी स्टार रेटिंग को रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होने की वजह से हमारी स्टार रेटिंग्स जो हैं वो धनबाद जिले का थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस है, उसको लेकर के भी हम लोग एक रिव्यू मीटिंग रखे हुए हैं, सो दैट ब्लॉक्स में जो BDOs हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जागरूकता फैलाएँ और कार्य करें, सो दैट हमारा स्टार रेटिंग जो है आने वाले हफ्ते में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा।